के नाम का बुलाएगा और राम का दर्शन नहीं करने आया। अरे राम को बुलाएगा, किसकी औकात है राम को बुलाने की? राम दुनिया बनाएगी, आप बनाई है। अपनी बीवी को तो संभाल लेते, मंगलसूत्र पहनाए थे, उसका तो वादा निभा लेते मोदी जी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम है क्या आपके पास? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मैं हूँ आपके साथ नैना शर्मा, और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। और आज हम पहुँच गए हैं प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में हम जानेंगे आदि आबादी की मन की बात। आदि आबादी तो अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये स्पेशल शो रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं 3:30 बजे, और हम आपको दिखाते हैं कि देश की जो आदि आबादी है यानी कि महिलाएं, महिलाओं के मन की बात क्या है। तो प्रतापगढ़ की महिलाओं के मन की बात जानेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं ये जानेंगे, और सरकार से इनकी क्या क्या मांग है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे एक पार्क में हम आ गए हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, महिलाएं अक्सर पार्क में मिल जाती हैं, गॉसिप करती हुई, बातें करती हुई, टहलती हुई। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी महिलाएं हमको मिलती हैं जो हमें ये बताएंगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या मुद्दे लेके मतदान जाएंगी। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ महिलाओं के मन की बात। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से ही महिलाएं बैठी हुई हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पहले से ही कुछ चर्चा चल रही है, इसी चर्चा के बीच में घुस जाती हूँ। और क्या चर्चा चल रही है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज वन इंडिया पर। नमस्कार, जय जगन्नाथ जी, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार। तो कुछ चर्चा यहाँ पे आप लोगों की चल रही थी? मैं ही चल रही थी। क्या निकाल रही है पॉलिथिन में से? कुछ नहीं, मैं अपना। अच्छा जी, तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? पिंकी दया। तो पिंकी जी, ये बताइए कि प्रतापगढ़ की महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? 2024 का चुनाव है, मतदान देने आप जाएंगी, क्या मुद्दे लेकर जाएंगी? मुद्दा हमारा यही है कि हम महिलाओं को, जितने भी महिलाएं हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना है, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी योजनाएं लाई हैं, जो हम सबको आज मान सम्मान से हम लोग जी रहे हैं, अपने धर्म के अस्तित्व को पहचान रहे हैं, है अपने, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, आप देखिए आने वाले समय में मथुरा का मंदिर भी बनने जा रहा है। हम महिलाएं सुरक्षित हैं, हम लोग को इतनी योजनाओं का लाभ मिला है, सीधे योजना, इससे सुकन्या योजना का, जिससे जो भी हो अकाउंट में, हाँ बहुत सी योजनाओं का हम लोग को लाभ मिला है। आज हम महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, और हम आने वाले समय में भी चाहेंगे हमारी सरकार आए। जी, तमाम योजनाओं के बारे में बात कर रही हैं। जी मैं आती हूँ आपके पास, तमाम योजनाओं के बारे में बात कर रही हैं। तो क्या लगता है मौजूदा सरकार की ये जो योजना है, इनका लाभ मिल पाया है? बिल्कुल मिलेगा, लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, मिलेगा। क्या कहना चाह रही हैं? मिल रहा है और मिलेगा, और 400 पार हम जब होंगे ही होंगे। विपक्ष कह रहा है 400 पार तो दूर की बात है, 200 पार वो सारी पार्टी मिल गई है मैडम, वो सारी बिल, हाँ वो सिलेंडर कर जाएंगे खुद को। और क्या मुद्दे भाई हो गए वो? क्या लगता है आपको, क्या रहेंगे मुद्दे महिलाओं के? कुछ ना बोल। किसको सपोर्ट करती हैं, कौन नेता है जो आपको अच्छा लगता है? मोदी। मोदी जी किस वजह से? चलिए एक दो वजह बता दीजिए। सब कुछ का अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। चलिए आप बताइए। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं मोदी जी, तो इनको ये कहना चाहिए कि हसरत की बेटी जिंदा जला दी गई, उसके लिए मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर में नंगा नाच हो रहा है, नंगा आज तक कभी अपने देश में कोई महिला जो है नंगा करके नचाई नहीं गई है, लेकिन इनके राज्य में हो रहा है, बड़ा मुद्दा रहा। बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, तो ये क्या विकास है? कहते हैं मंगलसूत्र की बात, अपनी पत्नी को सुरक्षा दे नहीं पाए, अपनी पत्नी को रख नहीं पाए, मंगलसूत्र की बात करते हैं, दूसरी मंगलसूत्र कौन कौन ले जाएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं, सुरक्षा तो मणिपुर की महिलाएं की सुरक्षा की बात, और एक कान से आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कौन गंदा है कौन सही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने करी कि मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है, मणिपुर में मोदी जी ने कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं बोला, कोई बात नहीं हुई, सरकार मौजूदा सरकार है, तो उनके सुरक्षा के बारे में क्या? महिला तो महिला है ना मैडम, महिलाओं तो जो सुरक्षाएं करनी थी वो तो की जा रही हैं, आने वाले समय में किया जाएगा, हर चीज का हिसाब भी लिया जाएगा, आने वाले समय में किया जाएगा। अभी नहीं बिल्कुल, तो आपको अभी चुनना है, इसी साल चुनना है, इसे उन्होंने और भी योजनाओं का लाभ हो जाता है, हो रहा है काम, हो रहा है, कर रहे हैं, वो रुके नहीं है, कर रहे हैं, मगर तो एक साथ आप सोचती है तो एक साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो कर रहे हैं, सुरक्षित है, हर चीज की सुविधा दी है और हर चीज की सुविधा सब ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनकी भी है योजनाएं है। नो 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 नो, आप गलत बोल रही हैं, ना 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 ना,
नहीं आप गलत बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। नो विकास के मुद्दे पे बात करिए कि आपके मोदी जी विकास क्या किए, क्या क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं आप ले रही हो। 5 साल 4 साल से आप फ्री का राशन खा रहे हो, भीख भीख मांगेंगे, वही राशन जो इसको क्या नहीं किया गया। आज सड़के देखिए, सड़के देखिए, कोई भी सड़क खराब हो तो बताइए, कोई मने विकास क्यों नहीं हो रहा है। आप राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतने मजदूरों को मिला, इतने इतने होटल खुल रहे हैं, इतने वहाँ लोगों को रोजगार मिला, 5 किलो फ्री राशन। कोरोना टाइम के बाद भी काफी टाइम तक उन्होंने फ्री राशन दिया, राशन दे रहे हैं। वही एक एक मुद्दा आपके पास है, उसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं आपके पास। नहीं 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 के अलावा दूसरा मुद्दा, इनको बता दीजिए सिलेंडर कहते 5 किलो राशन दे रहा। आपकी सरकार को मंदिर तिरछा दिख रहा है, बात साफ ठीक नहीं चल रहा। आपकी सरकार को कोई चीज अच्छा दिख ही नहीं रहा। भरेगा ना तो मस्जिद पे भरेगा, ठीक है। गर्दन शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा पढ़ाई। राम के नाम का बुलाया गया और राम का दर्शन नहीं करने आया। किसकी औकात है राम को बुलाने की? राम दुनिया बनाएगी, आप बनाई है। आपके नेता को बुलाया गया, आपके नेता को बुलाया गया। नहीं बुलाया है, बुलाया है, अभी तो राम जी आए हैं। नहीं नहीं नहीं, निमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण का तरीका मैं बताती हूँ। एक सेकंड, एक एक करके बात। निमंत्रण पहुँचा था, निमंत्रण का तरीका विपक्ष को समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। नहीं आया, देखिए भगवान बुलाते नहीं है, जिसकी आस्था होती है खुद जाता है। राम को नहीं है, किसी को नहीं हुआ। एक मिनट मैं इसमें कहना चाहूंगी, देखिए बिच्छू का काम है डंक मारना और साधु का काम है राम राम कहना। हमारी सरकार राम राम कह रही है, जिसको डंक मारना है डंक। अच्छा चलिए चलिए, क्या धर्म? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, नारे नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं बात करती हूँ, मुझे ये बताइए क्या धर्म की, मोदी जी को बोलेंगे मैं बोलूं। रुके रुके रुके, अच्छा बताइए क्या धर्म की राजनीति? क्या अपनी बीवी को तो संभाल लेते, मंगल सूत्र पहनाए थे, उसका तो वादा निभा लेते मोदी जी, काहे नहीं निभाए? क्या अच्छा इनसे पूछिए ना, क्या धर्म की राजनीति करने से विकास हो जाएगा? नहीं। फिर विकास के बारे में बात कर रही हूँ, मैं विकास के बारे में बात कर रही हूँ, वो बोल रही है मैडम, बोल रही, इसलिए मैं बोल रही हूँ। विपक्ष वालों को समझ में नहीं आ रहा है ना कि लड़ने से कुछ नहीं होना है, मेन है बस हमको अपना आजादी, आजादी हमको अच्छे से मिल रही है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। पार करेंगे ही ना, देखिए आजादी कोई दिक्कत नहीं विकास की। अच्छा देखिए, हाँ ये बात हम बात करते हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे। सुनिए सुनिए, बात सुनिए बात सुनिए, एक बात बताइए, इससे पहले की सरकार में आप कहाँ पे पीटे गए हैं? अरे पढ़ती है, नहीं नहीं, कहाँ पीटे जा रहे हैं? बुला बुला के अभी आगरा में लतियाए गए हैं, और क्या चाहिए? क्यों लतियाए गए हैं? पूछिए उनसे जाके अपने। नहीं तो ऐसे लतियाए नहीं कि जबरदस्ती इल्जाम लगाई लतवाई। अच्छा एक बात बताइए, आधी आबादी, आधी आबादी यानी कि महिलाएं, एक मिनट एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए, आधी आबादी यानी कि महिलाएं, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम इसी सरकार का है। मैं ये बताइए, आधी आबादी यानी कि महिलाएं, आधी आबादी को पूरी, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम इस सरकार ने शुरू किया, यानी कि मोदी सरकार ने शुरू किया। पहले की जो सरकारें थी उसमें महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा रही है। क्यों मुस्लिम मुस्लिम कर रही है? क्यों? अरे तीन तलाक आप क्या नहीं, तलाक होता कचहरी में जाके देखिए, 56 औरतें डेली लाइन लगाई हुई है। मुस्लिम तो नहीं रहेगा ना अपने हस्बैंड के साथ, मार खाएगा कोई फिर भी रहे तो ये गलत बात है। वो पारिवारिक है, वो पारिवारिक मामला है, आप इधर आइए, पारिवारिक मामला मत आइए, वो तो पारिवारिक है, इसके साथ क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम है क्या आपके पास? कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बताएं, क्या चल रहा है, हमको तो नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बताएं, अच्छा नहीं। एक बहू है, हाँ जी, और नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिल्पी गुप्ता। शिल्पी जी आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ? ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम करा है, महिलाओं के हित में बहुत काम किया, इधर से ये बहन जी थोड़ी नाराज दिखाई दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मोदी ने अच्छा काम किया है, विकास किया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है।
बेरोजगारी का मुद्दा है, आपको लगता है ऐसा? यस, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई बेरोजगारी पे। तो मोदी को इस बार अनएम्प्लॉयमेंट लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार वैकेंसी ही नहीं आती है, प्रॉब्लम। यस, वैकेंसी आती है तो रुक जाती है। तो मेरा मुद्दा ये अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जिन लोगों को जानकारी का अभाव है वो वहाँ तक उस नौकरी तक या अपना अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या बीच के लोग ये सब चीजों में। अब बिहार में देखिए शिक्षक भर्ती आती रहती है हर 5 साल पे, बट यूपी में ऐसा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। आ रही है तो स्टे, आ रही है पेपर लीक हो जा रहा है, स्टे हो जा रहा है। चलिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी मेरी कि पहले जो सरकार थी गुंडा राज था, ये तो आप मानती हैं। अब ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार कहती है कि जो माफिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। वाशिंग मशीन में तो सारे माफी धुल गए, आओ भैया माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। मैडम डालो कपड़े में, डालो वाशिंग पाउडर डालो सब। अच्छा, माफियाओं पर तो एक्शन लिया गया है या नहीं? माफिया भी कोई नहीं खत्म, माफिया भी जिंदा है इनके पार्टी में। अभी माफिया खत्म कहाँ हुए हैं? अभी खत्म कहाँ है हमारे पार्टी में? माफिया कौन है, नाम बताइए। नहीं होता है तो गिना रही आप, बता दीजिए। कोई माफिया नहीं है, बल्कि हमारी सरकार इतनी साफ सुथरी चल रही है, सबको सम्मान दे रही है, ठीक है। अरे वो क्या बात है, जब इतना बड़ा माफिया क्या एक टुक आया है ना, वो 400 औरतों का भला कर करके फोटो वायरल करके बताइए। महिलाएं बेचारी अपने हक के लिए बात करती रह गई, खेला महिलाओं ने और देश का नाम रोशन, चलो इसी बारे में बात कर रहे हैं। महिलाएं अपने हक की बात करके रह गई, खेला देश का नाम रोशन किया, मेडल लाई, उस बात पर सरकार क्यों कुछ नहीं बोली? चलिए ये बताइए। देखिए मैडम, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मोदी जी हमारे बहुत काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और देखिए, हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई ठेंगा दिखाती है, कोई कन्नी काटती है। इसी तरह हमारी सरकार में भी अगर 100 काम अच्छे में 100 में 90 अच्छे हो रहे हैं तो 10 नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी ध्यान दिया जा रहा है, आगे उन कामों को अच्छा किया जाएगा। मैडम कुछ नहीं हो सकता है। राम राम, राम राम, कहाँ से हैं? यही पास, किस पास है? चलो आप अपने मन की बात बताइए। क्या बोला है? आपको क्या लगता है, आपका आपको कौन सा नेता पसंद है, किसको वोट करेंगे? चलिए वोट मत बताइए, लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार काम कर रही है महिलाओं के लिए? हाँ, अच्छा कर रही है, क्योंकि वो चौमुखा से हाईवे रोड बन गया, जो ये एक्सीडेंट होता है वो अब हो नहीं सकता है, सब अपने किनारे किनारे दीजिए फिर बताइए, अपने किनारे किनारे से सब लोग आते जाते हैं, बस यही है, अच्छा लगता है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा में बदलाव हाँ, दिखाई देता है। हाँ, हाँ, बहुत दिखाई देता है, और क्या। आज हम होते हैं, ये बताइए योगी जी के ऊपर इतना मुकदमा था, उन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिया, इनके ऊपर मुकदमा नहीं ना, सिर्फ इनको मुसलमान दिखाई देता जो खड़ी है बहन जी को। मैंने मुसलमान की बात, नहीं नहीं उन्होंने बात, दोनों धर्मों को लेके चल रहे हैं, मुस्लिम सबको लेके मैडम चल रहे हैं, वो गलत बात आप बोल रही है। आप एक अकेली अभी बोला बहन जी नमस्ते, मैंने हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करी है, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। मोदी विकास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने अच्छा किया, जो कार्य कोई सरकार नहीं कर पाई उन्होंने किया, अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ तो अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं कहीं बस अच्छा तो बहुत अभी होते हैं, 4 बच्चे रहते हैं तो 2 बच्चों का सही काम हो पाता है, 2 बच्चों का नहीं हो पाता, वैसे वो इतना बड़ा देश चला रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत कहीं ना कहीं तो करते हैं। रात को 12 बजे पापा का इलाज करवाने के लिए हम हॉस्पिटल नहीं निकल पाते थे, आज रात को 2 बजे मैं अकेले खुद अपने माँ पापा को लेके जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, हर जगह लाइटिंग पूरी सुविधा है, इतनी रोशनी है, कोई डर नहीं है। हाल में ही मेरे साथ ही एक घटना घटी हुई थी, मैं सुखपाल नगर कटरा से थोड़ी सी दूर पे जा रही थी, अचानक उस दिन बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ ही भाजपा के जो अशोक मिश्रा जी हैं उनकी लड़की की शादी थी, और रात को लगभग 9:30 की आसपास की घटना है, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत अचानक एक लेडीज जेंट्स स्कूटी गिरी हुई थी, उनका हेलमेट गिरा हुआ था, मैं और मेरे साथ ड्राइवर, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, सिर्फ महिलाएं थे, हम लोगों ने गाड़ी को रोका और उनको जो है उठाया, उनकी महिलाएं बल्कि घबरा रही थी, मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, 112 पे फोन किया, 15 मिनट के अंदर वहां की पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, इतनी सुविधाएं बताइए, मैंने एक मिनट देने में और लेने में बहुत अंतर दिया, किसने अखिलेश अगर दिया है तो उसको लाभ भी मिल रहा है, लाभ तो भाई तो लाभ के लिए तो दिया, लेकिन अगर हम वो
प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेरे साथ जो घटना हुई 15 मिनट के अंदर, एक मिनट, 15 मिनट के अंदर पुलिस आई, उन लोग को अस्पताल भेजी, पूरा जैसे डिटेल में लिया गया क्या हुआ। लेकिन हम दो महिलाएं रुक के भीग कर इतनी गाड़ियां रोके, कोई भी गाड़ी नहीं रोका, किस लिए? क्योंकि माहौल को इतना गंदा बना दिया गया था कि कोई इंसानियत के नाम पे खड़ा नहीं। चलिए आप भी अपने मन की बात बता दीजिए। बहुत बड़ी चीज है, कोई भी हो। देखिए बीजेपी शासनकाल में अराजकता जो चरम सीमा पर थी, अखिलेश का शासन अपने में था उसमें तमाम अच्छाइयां भी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बुराई थी गुंडागर्दी, गुंडा राज। किसी की जान सुरक्षित नहीं, कब किस दुकान में घुस के कौन गोली मारेगा किसको, है ना, कब किसके साथ सड़क पे हम निकले हैं, तो हमारे आपके साथ XYZ के साथ किसी के भी साथ कौन सी दुर्घटना हो जाएगी इसकी कोई, हाँ कब क्या होगी गारंटी नहीं। लेकिन इस समय वही गुंडे, वही जो उस समय इतना आतंक के पर्याय बने हुए थे, आज वही गुंडे पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं, है ना। या तो आपसे एक बात करना चाहूंगी। अच्छा सुनिए मेरी बात, सुनिए, इधर 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 आइए। आप जो है एक आदमी बोल रहा, बोलने दीजिए, आप भी आंसर दे दीजिएगा। आज जो है हम लोग निर्भीक होके अकेले, हम 12 बजे हो, 1 बजे हो, 11 बजे हो, आ हम रोड पे निकल के सीना तान के चल सकते हैं, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। पहला अंतर तो यही है। और जो है पहले, आज भी बहरहाल कुछ डॉक्टर से मनमानी करते हैं, लेकिन फिर भी ओपीडी टाइम से खुल रही है, मरीजों का जो है कुछ है उनका प्रशासन का रुतबा। पहले ये था कि कौन डॉक्टर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन कहाँ है, कुछ नहीं। हम आज जाते हैं मुफ्त में 1 रुपए की पर्ची बनवाए और पूरा हमारा सही ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब से जो है हमारी जो है पर्ची लिख रहे हैं, हमारा सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी अल्ट्रासाउंड हो रहा है फ्री में, एक्सरे हो रहा है। प्रशासन विभाग है, पुलिस प्रशासन विभाग है, वहां हम पहुंच जा रहे हैं, हमारी सुनवाई हो रही। उस समय भी, लेकिन उस समय क्या हुआ था, जिसका दबदबा था, नाम लेके बताओ कि हम इनके व्यक्ति हैं, तब काम होता था। अब नाम लेके काम नहीं होते, होता है, आज भी होता है। मंत्री जी का फोन आएगा, हाँ भैया हमारा आदमी है, तभी काम होगा। ऐसा कुछ ना जाए, आज हमारी महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय सरकारी अस्पताल में जाना। एक बात करते हैं, एक बात बताइए, पहले जो सरकार थी, अच्छा एक मिनट मैडम, हाँ पहले जो सरकार थी और अब जो सरकार थी, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ। जैसे कि मौजूदा सरकार में महिलाओं के लिए तमाम योजना है, मातृवंदना योजना समझ लीजिए, उज्ज्वला योजना समझ लीजिए, तमाम योजना है जो अभी हम गिनने बैठेंगे तो लगभग 9 से 10-15 योजनाएं महिलाओं के लिए आ जाएंगी, जिसका महिलाओं ने लाभ उठाया है लगातार। इससे पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए क्या योजना बनाई, आप मुझे ये बता दीजिए। महिलाओं के लिए 500 रुपए महीना घर बैठे जो बैठी रहती थी उनको देती, 500 रुपए महीना, और जो बेरोजगार है उनको हफ्ता देती थी लड़कों को। आज तो नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी से मारे जाओगे। पहले महिलाओं को, बच्चियों को वजीफा मिलता था, अभी बंद हो गया। हमारे बच्चों को तो बीए पास की अभी तक नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं। सुनिए, ये महिलाएं खुद रोजगार कर रही हैं, इनसे पूछिए, ये कह रही हैं कि कश्मीर में, ये कह रही हैं कश्मीर में देखिए लोग चल नहीं पाते थे, इनसे पूछिए कश्मीर में चुनाव 2 सीटें क्यों नहीं लड़ा भाजपा, बताइए। हाँ इनसे पूछिए भाजपा क्यों नहीं कश्मीर में 2 सीटों से क्यों नहीं लड़ रही है। आपको यही नहीं पता है? अरे हमको नहीं मालूम है भाई, आपको हम अब इनसे डिबेट कर लीजिए। चलिए, आपका नाम क्या है? रेखा पांडे। तो आप बताइए, अपने मन की बात बताइए, क्या आपको क्या लगता है? देखिए प्रतापगढ़ की महिला क्या चाहती है? सब अच्छा ही है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी, सबका अपना। आप क्या चाहती है? बस अच्छा है, सुरक्षित, सुरक्षा होना चाहिए ज्यादा। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, महिलाएं क्या चाहती थी वो इस सरकार से उन्हें मिला है। फिलहाल तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत कम सोशल में रहती हूँ, इस वजह से मुझे जहाँ तक है कि सब से पूछे थोड़ा क्या आपको लगता है, सुरक्षा में तो आपने बदलाव देखा ही होगा। हाँ, ये चीजें बहुत अच्छा है, ये सही है, ये सही है कि सुरक्षा है, या बच्चियों के लिए पढ़ाई आगे बढ़ रही है, कि इसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं सरकार जी, और भी सब ठीक ही है। महंगाई थोड़ा ज्यादा हो रही है, जो हम आम आदमियों के लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है, और तो सब बिल्कुल बेस्ट है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ गई है, नाम क्या है आपका? पुष्पा। तो पुष्पा जी ये बताइए,
आपके प्रतापगढ़ के क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेके आप वोट करने जाएंगे? मौजूदा सरकार से खुश हैं? हम मौजूदा सरकार से बहुत खुश हैं और एकदम से तो कोई बदलाव कहीं नहीं कर सकता है। 10 साल आपको धीरे 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 चेंजेस पता चलेंगे और हमारी प्रतापगढ़ में जो रिक्वायरमेंट है वो हम चाहते हैं, जैसे हम लेडीज हैं कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई बैठने वाली जगह नहीं है सिवाय एक बेल्हा देवी मंदिर की जगह के अलावा। तो वो चीज चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे गर्मी छुट्टी होती है, वकेशन होते हैं, तो बच्चे आते हैं, सब इंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा प्लेस प्रतापगढ़ में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो वो हम चाहते हैं, एक स्विमिंग पूल हमारे उसमें है, क्या कहते हैं ये शहीद उद्यान पार्क में, कंपनी गार्डन में, वो भी बंद है। तो चाहते हैं बच्चों को ये चीज चाहिए और वो छोटी उम्र से ही सीखेंगे जिसकी सुविधा नहीं मिलती है। और स्विमिंग आना सबके लिए बहुत जरूरी है, कभी कोई बात हो तो कम से कम आधा घंटा आदमी अपना स्ट्रगल कर ले, तो वो हम अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो हम आज से नहीं बहुत साल से चाह रहे हैं। तो ये मांग है मौजूदा सरकार से आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये मांग है। सुनने में आ रहा, कोशिश तो की जा रही है, जहाँ सच्चा आश्रम है उधर पार्क बहुत अच्छी बात है, बन रही है, स्विमिंग पूल बन रहा है, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, आने वाले सालों में वहाँ पर नया निर्माण हो रहा है। लेकिन हम लोग आउटिंग करना, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी इस समय सरकार, अरे 10 साल थी तो 10 साल में कचरा साफ करने में टाइम लगता है मैडम। हाँ क्यों कचरा नहीं साफ कर रहा है? दोनों मीटिंग झाड़ू लग रही है चौकों में, कैसे आपने बोला? क्या बता रहे थे कि हमारे घर के पीछे नाला भरा हुआ है और वहाँ सफाई नहीं हो रही थी, यही भाभी बता रहे थे। अच्छा। यही भाभी बता रही थी। वह देखो गलत पॉइंट, गलत बात बोल दी, गलत पॉइंट पकड़ ली ना। वो नाला किससे वैसा ही मेरा ही हो, घर का ही है, कुछ कमी होगी, कुछ फंसा होगा तो फंसा था मैंने इनको। सरकार अब छोटे कैसी बात मैडम कर रही है, अब सरकार अब घर घर की नालियां जाके तो चेक कर नहीं पाएगी। ठीक है तो शिकायत क्यों कर रही थी, शिकायत क्यों कर रही थी, शिकायत क्यों कर रही थी? ठीक, जरूरी नहीं कि सरकार घर घर जाके सफाई करे, हम अपने घर की सफाई करें तो मोहल्ले की भी सफाई हमें ही करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। आपको अपने घर से बिल्कुल करनी चाहिए, घर से आप अपने मोहल्ले से कीजिए। हम ही लोग हैं जो कचरा सड़क पे फेंकते हैं, उसके बाद फैलता है, हम ही शिकायत करते हैं, फेंक देते हैं, तभी तो कचरा फैलेगा। वो मेरी कमी है मैडम, हमको आपको समझना पड़ेगा इसमें। अटल वाली पार्टी एक और महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्या नाम है आपका? तो उर्मिला जी, यहाँ पे बात ये चल रही है कि मौजूदा जो सरकार है उससे आप कितना खुश हैं और महिलाओं की समस्या जो है, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? कुछ नहीं खुश है, तीन हम रहते हैं, न एक कॉलोनी मिला है, न राशन कार्ड, कुछ नहीं मिला है। हाँ। हम लोग को कुछ नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इनसे बात करने दीजिए। हाँ बताइए। हाँ तीन हम रहते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है उनका, सबको कुछ नहीं मिल रहा कुछ है। नहीं, कुछ नहीं, ये गरीब लोग निकल के आए हैं। हाँ। तो बड़े लोग हैं जितने, कुछ नहीं, बिल्डिंग से निकल के आए। आप इतने योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार दे रही है, उन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। आवास योजना कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। आपने कल, आप अपनी बात बताइए। अपनी बात बताइए, बताइए आपको। तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, साल भी हो गया। हाँ साल भी हो गया। आपने अप्लाई किया था और आप चक्कर लगा रही हैं सब से, कुछ कार्यवाही क्यों नहीं करता? आप बताइए। देखिए इन्होंने अप्लाई भी किया, ये मिलने भी गई है लोगों से, साल भर हो गए काम करते करते, लेकिन इनको नहीं मिला है। हमारी सरकार ने चार करोड़ लोगों को मकान घर दिया है और आने वाले समय में 3 करोड़ का और भी टारगेट है। ये नहीं आती है क्या? नहीं नहीं कह रहे हैं, उन्होंने करने में 3 करोड़ और लोगों को दिया जा रहा है अब की आने वाले समय में आपको। चले आप देख लिए, तीन हम ऐसे रहते हैं, ऐसे तप रहे हैं, लड़का बच्चा ऐसे लेके रहते हैं, कुछ भी नहीं मिला है हमको। आपकी किस्मत है। राम राम, क्या कहना चाह रही हैं? बोलिए बोलिए, दिल खोल के बोलिए, सुन रहे हम, बोलिए। नहीं आप ना बताइए, कोई नहीं बताएगा, आप बताइए अपने मन की बात बताइए, आपके मन में क्या है आप बताइए। तो अच्छा है ये, सरकार से खुश है, मोदी जी से खुश है, चाहती हैं दोबारा आए। हाँ। क्यों हा? क्यों, वजह बताइए। आपको किसी योजना का लाभ मिला है कभी? या सब सुविधाएं दे रहे हैं सब लोग को, और क्या
आज इतनी महिलाएं हैं, आप एक एक बार पूछ लीजिए कौन किसको सरकार चाहती है, आपको पता चल जाएगा सब मोदी जी को चाहते हैं। आप भी चलिए तो भैया मोदी जी की नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, हम किसे चाहते हैं फिर? हम तो जे का समझेंगे होगा देंगे जे, हम जो आपको लगेगा कि आपको जिससे आप रहे हैं हमका कुछ नहीं मिल रहा है, जो उनकी एकदम गरीब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूजा श्रीवास्तव। तो पूजा श्रीवास्तव जी आप बताइए क्या है आपके मुद्दे? महिला है ठीक है, और महिलाओं के लिए सरकार ने बोला है, बड़े बड़े दावे किए हैं महिलाओं के लिए, बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, महिलाओं को लाभ मिल रहा है योजना का, और आबादी आबादी अब आबादी आबादी में भारत माता की आपकी बार मोदी सरकार मोदी सरकार सरकार वो ठीक है, जिसकी सरकार है वो भी ठीक है। अपनी मशीन 400 पार आप बता रहे, उनको बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, सब चीज का इलाज है, सबका इलाज नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, बस महंगाई हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई का मुद्दा। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, इसके वजह से सब लोग परेशान हैं, नहीं तो पहले ठीक ठाक था सब कुछ। तो महंगाई के अलावा महिला सुरक्षा तो हाँ, सब वो सब ओके है, सब ओके है, केवल महंगाई महंगाई है, पढ़ाई हम लोग का भाई जिसे आम है तो हर चीज जैसे महंगा भी हुआ है तो तनख्वाह भी बढ़ी है, ये बात नहीं है, दोनों चीजें हैं इक्वल से, इक्वल से 50,000 तनख्वाह है, समझ नहीं पा रहा है ना, मेन बात है बस भाई ठीक है। एक तरफ अगर हम देखते हैं कि महंगाई ज्यादा, अगर एक तरफ देखेंगे तो उसमें ज्यादा लगेगा हमको आदमी, करिए दूर से बात करिए, अरे बाप रे छू के बात ना करिए, जब वोट मांगना होता तो हाथ जोड़ती है, तब नहीं जोड़ती है, आपको छू लिए गलत है, भाभी भाभी नहीं तो सब है, बिटिया बराबर ही भाभी है, ये हमारी बिटिया हो रही है, आपका बेटा हमारे लोग की उम्र कभी साथ में पड़ा है, बता रही है भाभी है, निजी मत होइए, अरे बस व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए। मेरी बन गई। तो ये थी प्रतापगढ़ की महिलाओं के मन की बात, हमने आपको प्रतापगढ़ की महिलाओं के मन की बात से रूबरू कराया, यहाँ की जो महिला है उन्होंने अपने मन की बात न्यूज वन इंडिया के साथ करी है, और सारी महिलाओं का अलग अलग देखिए मत है, कुछ महिलाएं कहती हैं कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद उनको काफी योजनाओं का लाभ मिला है, वही कुछ महिलाएं ये भी कहती है कि उनके जो घर है अभी तक टीन के है और बेरोजगारी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, तो ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे हमको मन मतलब महिलाओं के पता चले हैं, और भी हम आगे जाएंगे महिलाओं की बात से आपको वाकिफ कराएंगे, रूबरू कराएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोग्राम है महिलाओं का हमारे पास जिसे कहते हैं आधी आबादी की मन की बात, तो आधी आबादी की मन की बात हम आपको सभी लोकसभा क्षेत्र से लगातार दिखाते जा रहे हैं, आगे जाएंगे यहाँ के प्रतापगढ़ की महिलाओं की बात हमने आप तक पहुंचाई है, ये देखिए इसके बाद अगले क्षेत्र की महिलाओं की बात हम आपको जरूर बताएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया, मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन राज।